आज सेंचुरी लगाने पे बिट्टू मैक्सी स्पोर्ट की तरफ से एक बैट दिया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए दर्शकों। हमारे कैप्टन है अनुभव सिंह राजपूतर चटनी, बेहतरीन डिसीजन था। हालांकि कंफ्यूजन था टीम में कि बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे, लेकिन जाते समय इसने बोला कि सबसे अच्छा हम टॉस हार जाए, जो होगा होगा, और वही हुआ। मैच एसएनसीसी नवादा वर्सेस सुधांशु 11 सिवान। फ्री हिट, जी हाँ, इसी गेंदों पे ये विनिंग स्ट्रोक निकलता हुआ बिट्टू मैक्सी के बल्ले से तीसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम बन गई है यहां पर संकेत 11 अररिया। वेल प्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन संकेत 11 अररिया। और यहां पर दोनों टीम को मुबारकबाद, बिल्कुल हार से निराश न हो। यहां पर भागलपुर राजपूताना पिछला मैच आखिरी गेंदों पे जीता था, लेकिन ये मैच वन साइडेड। क्या बल्लेबाजी हुई कलीम की, रवि झा की वो जोड़ी, यू कहे तो कलीम की धुनाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेंस्ट टीम के कैप्टन और रवि भैया किस तरह से जर्नी करते हुए जा रहे हैं एएसआर टूर्नामेंट खेलने के लिए बिहार। और ये इनकी टीम रही, देख सकते हैं गौरव भैया, और इधर है सद्दाब भैया, तो सभी हैं साथ में। और ये देखिए हालत देख सकते हैं आप। क्रिकेट की मेहनत है, पर क्रिकेट में मेहनत चाहिए। जीतेंगे कल, जो बना रहा है ना उसको नहीं मारने देंगे कल। वो तो वक्त बताएगा। सो आप देख सकते हैं कि कल हम लोग का मैच है एएसआर कप फॉरबिसगंज में, और रवि भैया बादल भैया और एक तरफ होंगे अगेंस्ट टीम। देख सकते हैं कैप्टन कुल के साथ है गौरव भैया भागलपुर के स्टार, और कल मैच है आमने सामने। और आज हम लोग रुकेंगे राज दरबार, जी हाँ, देख सकते हैं होटल। और रवि भैया कल क्या रहेगा मैच? मैच क्या रहेगा वो भैया पूछिए। और यहाँ एंटी टीम क्या भैया? तो आमने सामने होगी दोनों ही टीम। और आज आप देख सकते हैं कि गौरव भैया छक्का मारेगा ना रवि भैया को हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे मस्ती चलता हुआ देख सकते हैं कि दोनों ही टीम। बस आ चुकी है और अभी हम लोग बस पकड़ के निकल रहे हैं फॉरबिसगंज। फाइनली हम लोग ने 2.5 घंटा का सफ़र तय किया और पहुँच चुके हैं फॉरबिसगंज। जी हाँ, ये रहा हाईवे। तो अभी हम लोग फॉरबिसगंज में हैं, फॉरबिसगंज बस स्टैंड है वहाँ पे। तो यहाँ पे बस रुकी हुई है और हमारी टीम के सभी प्लेयर उतर चुके हैं। और भाई बस क्या स्पीड चल दी है, मतलब 100-150, मैं क्या बताऊँ, काफ़ी मज़ा आया आने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटा लगा। और ये देखिए अब बस निकल पड़ी है, काफ़ी अच्छा बस था, सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ तक का। चामुंडा जागते रहो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल, ये देखिए पहले से निराला वे आ चुके थे। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, मैं बता दूं कि आज मेरा मैच है फॉरबिसगंज में, और बिल्कुल मैं ड्रेसअप हूँ, और मैं कल रात में ही आ गया था। और आप देख सकते हैं पीछे होटल आदित्य। तो हम लोग कल रात में यहीं पे स्टे किए हुए थे और अभी बिल्कुल कार रेडी है, तो अभी हम लोग निकलते हैं ग्राउंड की ओर। मैं बता दूँ कि टाइम अभी 11 बज रहा है और 12 बजे से मैच होगा, तो अभी 1 घंटा बचा हुआ है। हमारी पूरी टीम आ चुकी है और ये रहा हमारा कार। और यहाँ मिल सकते हैं सद्दाब भाई। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। और नींद कैसा रहा रात का? बहुत अच्छा, बस में भी और रूम में भी। बस में भी और रूम में भी। और यहाँ मैं मिलाना चाहूंगा पर्सनली, देख सकते हैं मैन ऑफ द मैच फर्स्ट मैच के। कैसे हैं भैया आप? बढ़िया बढ़िया। और कैसा रहा आपका सफर? अरे बहुत अच्छा था, रात में थोड़ा सा दिक्कत हुई है। अच्छा, 4 बजे तक गाड़ी चलाए ड्राइव किए यार। कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको भैया जो पारी खेले थे फर्स्ट मैच में, आज वो दिखना चाहिए। आज बहुत अच्छा गेम हम लोग करेंगे। और पीछे देख सकते हैं आतिफ ओसामा। तो अभी हम लोग निकलते हैं ग्राउंड। तो मैं पहुंच चुका हूं ग्राउंड और देख सकते हैं इस पीछे का व्यू, सभी प्लेयर भी आ चुके हैं और अभी दर्शक लोग भी यहीं पे हैं। तो अभी मैच स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी टॉस हुआ नहीं है, तो प्लेयर लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज का भी विकेट काफ़ी अच्छा है, तो पिछला मैच तो हम लोग जीत गए थे लीग मैच, और आज क्वार्टर फाइनल मैच है, तो जबरदस्त मैच होने वाला है। तो देखते हैं कि टॉस क्या होता है।
तो टॉस हो चुका है और टॉस अगेंस्ट टीम ने जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। तो हम लोग का फील्डिंग है तो 20 ओवर का गेम होगा, तो देखते हैं कि अगेंस्ट टीम को हम लोग कितने रन पे रोक पाते हैं। A few moments later, जब 202 का ये स्कोर हुआ तो ऐसा लग रहा था कि इतना लक्ष्य आसान होने वाला है नहीं। आज नुमान शेख का बल्ला चला नहीं, लेकिन नुमान शेख से जब हमारी बात हुई, इन्होंने ASR कप को बहुत बड़ा टूर्नामेंट बताया है, उनके जीवन का एक बेहतरीन टूर्नामेंट में से एक टूर्नामेंट वो मानते हैं नुमान शेख। और अभी हाल ही फिलहाल में बिग बैस आजमगढ़ के नाम से उन्होंने करवाया। ए लीजिए, ये स्लॉट में गेंद है, पार किया है पार्किंग लॉट में, ये बिट्टू मैक्सी। और ये मैक्सी का कमाल देखिए, 6 रन। मैच SNCC नवादा वर्सेस सुधांशु 11 सिवान फ्रीट। जी हाँ, इसी गेंदों पे ये विनिंग स्ट्रोक निकलता हुआ बिट्टू मैक्सी के बल्ले से तीसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम बन गई है यहां पर संकेत 11 अररिया। वेल प्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन संकेत 11 अररिया। और यहां पर दोनों टीम को मुबारकबाद, बिल्कुल हार से निराश न हो। यहां पर भागलपुर राजपुताना पिछला मैच आखिरी गेंदों पे जीता था, लेकिन ये मैच वन साइडेड। क्या बल्लेबाजी हुई कलीम की, रवि झा की वो जोड़ी, यू कहे तो कलीम की धुनाई टीम के लिए रंग है लाई। और एक शतक देखा आपने आज के दिन में। पूरा स्कोर कार्ड आप देख पाएंगे, इस मैच का पूरा समरी आप देख पाएंगे A+ स्पोर्ट्स और MSCC फारबिसगंज यूट्यूब चैनल पे। जी हां, इसी गेंदों पे ये विनिंग स्ट्रोक निकलता हुआ बिट्टू मैक्सी के बल्ले से तीसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम बन गई है यहां पर संकेत 11 अररिया। वेल प्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन संकेत 11 अररिया। और यहां पर दोनों टीम को मुबारकबाद, बिल्कुल हार से निराश हुआ यहां पर भागलपुर राजपुताना। पिछला मैच आखिरी गेंदों पे जीता था, लेकिन ये मैच वन साइडेड। क्या बल्लेबाजी हुई कलीम की, रवि झा की वो जोड़ी, यू कहे तो कलीम की धुनाई टीम के लिए रंग है लाई। और एक शतक देखा आपने आज के दिन में। और कलीम को एक बिट्टू मैक्सी स्पोर्ट्स की ओर से एक बिट्टू मैक्सी बैट, प्लेयर एडिशन या स्पेशल एडिशन, लेकिन प्लेयर एडिशन बैट दिया जाएगा। चलिए, और मैं बुलाना चाहूंगा मेरे भाई को, मेरे भाई के हाथों के द्वारा मैं देना चाहूंगा बैट। सोनू भैया, सुनो भैया, आप आ जाए यहाँ पे। और आज सेंचुरी लगाने पे बिट्टू मैक्सी स्पोर्ट की तरफ से एक बैट दिया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए दर्शकों। फाइनली गाइस, हम लोग ये मैच तो जीत गए और काफी ज्यादा मजा आया। और आज हमारे भाई आए थे देखने के लिए मैच, और भाई मजा आया, बहुत ही मजा आया। और अच्छा बैटिंग हुआ, बहुत तगड़ा टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट हम भी पहली बार देख रहे हैं और खूब आनंद लिया। छक्का का बहुत अच्छा छक्का छक्का जा रहा था और चेस भी हो गया 203 रन, 20 ओवर का था, अच्छे से और फिनिशिंग स्टार। थैंक यू सो मच। और देख सकते हैं हमारे साथ, मतलब भाई के साथ रविंदर भी थे, गुलशन भी आए थे, हम घर से आए थे तो इसको लेके आए थे, दोनों को भी दिखाना जरूरी था। चलो घर से निकलो, देखते हैं मैच, अच्छा रहा। तो मैच जीतने के बाद गाइज हम लोग आ चुके हैं होटल पे, आप देख सकते हैं अभी हम लोग हैं रेस्टोरेंट में रुके हुए और भैया लोग सभी बैठे हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको मिलाना चाहूंगा, यहाँ देख सकते हैं रवि भैया हैं, निराला भैया हैं और अनुभव भैया भी हैं, और अगेंस्ट टीम के प्लेयर बिहारी भैया, थोड़ा फेस दिखाएं। और यहाँ पे मिल सकते हैं अनुभव भैया, जो कि मैंने बात तो नहीं करा पाया ग्राउंड में। और अनुभव भैया, क्या मजा आया? अच्छा लगा, आज का मैच काफी अच्छा रहा, हाई स्कोरिंग रहा, तो क्राउड को भी अच्छा लगा होगा और हम लोग के पक्ष में रिजल्ट रहा, तो और ये अच्छा बात है। और रवि भैया के बारे में क्या कहना चाहिएगा पर्सनली? आज रवि भैया का दिन बहुत अच्छा था, सुबह सुबह बालडारी भी बना के क्या बात है स्पेशल 400 रुपया में मेहनत किए थे और आज उस 40,000 का इनिंग खेले, हमारे वर्ल्ड कप जैसा जान ही रहे ऐसा रहे, उसमें इस तरह का इनिंग खेलना बहुत बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा था और हमारे कैप्टन है अनुभव सिंह राजपूत चटनी, बेहतरीन डिसीजन था। हालांकि कंफ्यूजन था टीम में कि बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे, लेकिन जाते समय इसने बोला हिसाब से अच्छा हम टॉस हार गए, जो होगा होगा, और वही हुआ, टॉस हारा। विकेट थोड़ा गीला था, उसका एडवांटेज शुरू में हम लोगों को मिला और स्टार्ट अच्छा मिला बॉलिंग में भी, और फिर जब बैटिंग का समय आया तो
अच्छा रहा, कलीम ने बहुत ही शानदार बैटिंग किया। तो जैसा कि रवि भैया ने बताया कि हम लोग की टीम ने काफी अच्छा एफर्ट दिया और आज हम लोग एक होकर खेले और ये मैच हम लोग जीत गए क्वार्टर फाइनल। तो नेक्स्ट मैच होगा सेमीफाइनल, और भैया सेमीफाइनल के बारे में क्या कुछ बताइए, क्या रहेगा प्लानिंग? अभी से तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन सब फिर एक साथ होके खेलेंगे, पूरा अच्छा कोशिश करेंगे, एक अच्छा क्रिकेट खेलें और जीत के वर्ल्ड कप, जो अपने बिहार का वर्ल्ड कप है, उसके फाइनल में जाने की कोशिश करें। फिलहाल तो बहुत जोर से भूख लगा है, रेस्टोरेंट वाले भैया को मैंने बोला है जल्दी जल्दी भैया लाइए पनीर चिल्ली रोटी, भैया लोग पूरा फिनिश कर लिए, बिहारी भाई खा के साइड हो गए, अनुभव भैया बिल्कुल लगे हुए हैं खत्म करने के, फिर लगवा रहा है दुनिया से नजर कहाँ, सब तो चिकन चिल्ली सब फिनिश कर गए, देखिए और ना खाना था तो। और ये देखिए बाल्टी भर के दाल रवि भैया के लिए आया था स्पेशल, एक दाल और बाल्टी भर के। तो गाइस खाना पीना हो चुका था खत्म, और खाना खाने के बाद अभी मैं आया हुआ हूँ सैलून, देख सकते हैं आप, तो थोड़ा सा बाल दाढ़ी बढ़ गया था, मोमेंट्स लेटर तो आप देख सकते हैं मैंने बाल कटा लिया है और काफी कूल लग रहा है, और अब चलते हैं रूम पे। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ रूम पे, और देख सकते हैं रवि भैया और अनुभव भैया रूम में सोए हुए हैं, और अब बारी है सोने की, और आज का मैच काफी अच्छा रहा, हम लोग मैच जीत गए और काफी मजा आया, और फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, गुड नाइट गाइज बाय। साला हम टेंशन में थे मैच क्या होगा पता है, साला अंडा और केला, अंडा और केला इसको पता है, बगल में आके के बैठ गया बादून दा, वो केला चुल के खा रहा हम टेंशन में थे, लगी का छक्का मार, एगो जा रहा है एगो आ रहा, बगल में बैठ के खाए जा रहा, क्या प्रॉब्लम क्या है खाने, और खाना है, अरे और खाना है आपको, अभी और खाना है, अभी तो आप देखिए 1500 का बिल बना है, रुके, 2 घंटा पहले 1500 का बिल बना, फिर अभी 2 घंटा बाद 1500 का बिल बना, ओ भाई तो मजा है, कैसे की सूप दे रहे हैं, हे भगवान, हम तो सूप तो कम से कम पी लेने दो।